गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ बैंक, क्योंकि भाई साहब आपको मैंने बताया था पहले ही कि मेरा बैंक अकाउंट में कुछ दिक्कत हो गई थी, इस वजह से वहाँ मेरा पैसा नहीं निकल पाया था और कैश भी ख़त्म हो गया था। और इससे पहले मैंने राजगीर ब्लॉग बनाई थी, उसमें ये दिखाया था। तो मैं जा रहा हूँ बैंक, मैं देखता हूँ क्या होता है वहाँ पर, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ और एक अकाउंट भी ओपन करवाना है। तो वो अकाउंट ओपन करवा के फिर मैं आता हूँ, तो आपसे मिलूँगा फिर। तो ये है भाई साहब मेरी धन्नो, जिससे मैं जाऊँगा बैंक और वहाँ पे जाके आपको दिखाऊँगा बैंक मेरा कैसा है। पहले तो अब इसमें तेल नहीं है। तो भाई साहब मैंने गाड़ी पेट्रोल पंप पे ले ली थी, वहाँ से तेल डलवा ली। तो भाई साहब फाइनली मैं अपने बैंक पहुँच चुका हूँ। ये सबसे छोटा बैंक है, लेकिन हर शहर हर मोहल्ले में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये डाकघर हर मोहल्ले में होता है। तो इसी बैंक में मैं अपना काम करवाऊँगा। और इस बैंक की खासियत यह है कि ये 18 साल के नीचे वाले को ही फ़ोन पे मतलब ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो अभी मैं जाऊंगा और अकाउंट पहले खुलवाना है, उसके बाद मैं अपनी बातचीत करूंगा अपने अकाउंट से रिलेटेड। सब यहाँ पे मेरा काम नहीं हो पाया क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाली मशीन ख़राब हो रखी है। तो मैं यहाँ से दूसरे पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर देखता हूँ, मुझे पोस्ट ऑफिस भी नहीं मिल रहा है। तो पहले पहुँच के वहाँ पर देखता हूँ क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फाइनली भाई साहब मेरा काम तो हो गया था बैंक का, लेकिन अकाउंट जो मैं खुलवाने गया था वो काम नहीं हो पाया था कुछ कारणवश से। इस वजह से मेरा काम तो हो गया था, तो मैं अपना काम करवा के चलाया। और अब मैं डालूँगा एक और ब्लॉग जो शिवरात्रि के टाइम पे आएगा। वो शिवरात्रि में शिव पूजा का पूरा वीडियो ब्लॉग डाल दूँगा विद्यापति मंदिर का। तो आप लोग देखते रहना और बने रहना मेरे उस ब्लॉग में भी। तो इस ब्लॉग में अभी मैं लेता हूँ छुट्टी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप देख रहे हो तो।